हेलो दोस्तों, आई एम सिद्धार्थ, वेलकम यू एट फिजिक्स मैशर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कॉर्पसल थ्योरी के बारे में डिस्कशन की थी, हमने एक बॉल का केस कंसीडर किया था, आपको याद होगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग प्लेन मिरर की डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग इस वीडियो के थ्रू रिफ्लेक्शन से बातें करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इसका आंसर दे पाए। अगर आपको आंसर ना मिले तो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस आंसर का मैं डिस्कशन पक्का करने वाला हूं, लेकिन फिर भी एक बार अपनी तरफ से ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन पता है क्या है? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। वो जो इंसिडेंट रे होगी ना, जब वो किसी मिरर को स्ट्रक करेगी, उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होगी, वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना और जो इंसिडेंट रे होंगी, उनका मीडियम क्या होगा? हमेशा सेम। और रिफ्लेक्टेड रे का जो मीडियम होगा कभी चेंज नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। हमारी रिफ्लेक्शन बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहती है किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट रे के लिए मेरी एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्टेड रे आएगी, प्रोवाइडेड मेरा जो मिरर है ना उसका जो सरफेस होगा वो परफेक्टली स्मूथ हो, उसके ऊपर कोई भी इररेगुलरिटी ना हो। अगर मेरे मिरर का सरफेस एकदम स्मूथ हो और उस पर कोई इररेगुलरिटी ना हो, तो जो मेरी इंसिडेंट रे होगी ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही रिफ्लेक्टेड रे आएगी। लेकिन रियल लाइफ के अंदर पता है क्या होता है? कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है, उसके ऊपर कोई ना कोई इररेगुलरिटी जरूर होती है। जैसे इंसिडेंट रे आते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो उस केस को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जनरली हमारे आस पास जितनी भी रिफ्लेक्शन हो रही है वो कौन सी रिफ्लेक्शन है? डिफ्यूज, क्योंकि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है। अब फेमस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने 10th में भी पढ़े होंगे, लॉज 10th में जो थे प्लस 2 में भी वही रहेंगे, लॉज चेंज नहीं होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं ये याद आ रहा होगा, किया होगा आपने। एंगल ऑफ बेसिकली इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाइन इन सेम प्लेन। तो भाई ये देख लो, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और जो ये पर्टिकुलर चीज है ना, ये है इसकी नॉर्मल। जो नॉर्मल है ना और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज है, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगी, ठीक है, एंड ये एक ही मीडियम के अंदर अवेलेबल होंगी। इंसिडेंट के बाद, लाइट की रिफ्लेक्शन के बाद उसका मीडियम चेंज नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं ये समझ आ रहा होगा। अब अगर प्लेन मिरर पे आया जाए, वो प्लेन मिरर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता है क्या है दोस्तों? इन अ प्लेन मिरर इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज अ ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एज अ ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑल्सो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये लाइन्स कहती हैं जो हमारी इमेज फॉर्म करता है ना एक प्लेन मिरर, बेसिकली एक प्लेन मिरर जो हमारी इमेज फॉर्म करता है ना, वो इरेक्ट होती है, वो वर्चुअल होती है, लेकिन वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। और जो इमेज फॉर्म होती है ना उसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमें फील होता है कि बिल्कुल सेम हो, एंड द डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर जो होगा वो बिल्कुल उतना ही हो जितना ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में हो। अगर ये लाइन समझ नहीं आई तो यहां पे ध्यान से देखो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस पर्टिकुलर एरो की ना मैं इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज बनाने जा रहा हूं, इसकी इमेज बनाने जा रहा हूं इस प्लेन मिरर के अंदर। ये मेरा प्लेन मिरर है, यहां पर मैंने पॉलिश कर रखी है किसी ऑक्साइड लेयर से। ये मेरा एरो है जिसकी मेरे को इमेज बनानी है। मैंने क्या बोला, ठीक है, मैंने बोला जो इमेज फॉर्म होगी ना दैट विल बी एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट आप क्या करो, डॉटेड लाइंस खींचो
एक ऊपर से खींच लो, एक नीचे से खींच लो, जहां पे ये डॉटेड लाइंस मैच उतनी सेम डिस्टेंस पे, जितनी यहां पे लेफ्ट साइड पे जितनी आ रही है उतनी राइट पे बना लो। बनाने के बाद नीचे भी उस तरह बना लो, जो पॉइंट ऊपर आ रहा है उसको ऊपर बनाओ और नीचे आ रहा है उसको नीचे, फिर उनको ज्वाइन कर दो। हमारी इमेज कुछ इस तरह बनेगी। ये पता है क्या हुआ, लेटरली इन्वर्टेड हो गई। अगर बात समझ नहीं आई, ये एस का केस कंसीडर करते हैं। फिर क्या करो, लाइंस ड्रॉ करो कुछ इस तरह, डॉटेड लाइंस लगा लो। लाइन लगाने के बाद आप क्या करो, आपने मान लो पहले ऊपर से बना ली, फिर इस पर्टिकुलर कर्व पे बना दी, यहां पे ढेर सारी लाइंस लगा ली। अब उनको आपको ट्रेस करना है वापस, लेकिन एक कंडीशन है, जिस जितने इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस, अगर मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, इसका डिस्टेंस जितना इस पॉइंट से होगा उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का इस डिस्टेंस से होना चाहिए, इस मिरर से उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। हमारे डिस्टेंस क्या रहते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट के सेम, प्लेन मिरर के अंदर। तो उसी तरह अगर हमें ट्रेस करें ना, ये उल्टा एस बन जाएगा बेसिकली, ये लेटरली इन्वर्टेड बन जाएगा। अगर मैं ये एल का केस ले लूं, इसके लिए भी मैं पहले इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं इस लाइन से, उतना ही डिस्टेंस मैं यहां से पीछे की तरफ ड्रॉ कर दूं। उसी तरह अगर ये पॉइंट कंसीडर करूं और इसका डिस्टेंस ये ड्रॉ करूं, उतना ही डिस्टेंस में अगर यहां पर ड्रॉ कर दूं और इमेज बना दूं ना, ये इन्वर्टेड एल बन जाएगा। देखो एल ऐसे था, ये इन्वर्टेड बन गया। अब आपका क्या काम है, आपको ये पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर फिगर की ड्रॉइंग करनी है। इस पर्टिकुलर फिगर को आपको इसकी इमेज बनानी है एक प्लेन मिरर में। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में बताऊंगा। अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आप डिस्टेंस सेम लेके इसकी इमेज क्रिएट करना, क्या पता आंसर सही आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।